सोहेल के लिए जोरदार क्लैप बेंगलोर। पार्टीकर की आवाज में ले लेंगे बोल के। क्या बोलना चाहेंगे, आपका नाम बताओ, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, मैं बैंगलोर से हूँ। मेले को पहले कुछ काम नहीं आता था, सिर्फ इसी कनेक्टर चेंज करता था, डिस्प्ले डालता था, उतना ही आता था काम। अभी सारे आईसीओ पे काम कर लेता हूँ और आईसीओ के अंदर का वैल्यू भी, बॉल टू बॉल वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ इंशाल्लाह। जितना इधर नॉलेज मिला हुआ है, मेरे को तो पता भी नहीं था कि इतना फ़ोन के अंदर आता है। पहले 8-10 दिन में तो मैं परेशान हो गया, जिस तरीके से समझा है सर, उसके बाद मेरे दिमाग में तो गया है सर, इतना आता है फ़ोन के अंदर तो पता भी नहीं था। इंशाल्लाह इसके बाद सभी काम कर लूँगा। जितना पॉजिटिवली बताए गए थे हर एक काम कर सकते हैं, और मैं किया भी इधर पे बहुत, 2-3 काम मैं अपने हाथ से चालू किया। सर सपोर्ट किए, फिरोज़ सर सपोर्ट किए, सागर सर सपोर्ट किए, तौफीक सर सपोर्ट किए। अब खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं एक काम कर सकता था सर। अच्छा, मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट आपको मिला। हाँ सर, दिल से बोल रहे ना? नहीं, नहीं, सिखा के तो नहीं बिठाया पहले से? नहीं सर, वो मेन क्या है, भटके हुए को सहारा है सर, ये तिनके को सहारा काफी है। तो अभी तो मैं भटका हुआ था, मेरे को सही जगह मिल गया सर। सही मिलेंगे तभी तो आगे जाते ना भाई, इंशाल्लाह जरूर। अब स्क्रू ड्राइवर है, मोबाइल खोलना है, उल्टा लगाएंगे तो स्क्रू भी नहीं खोल सकते। नहीं सर। क्या तो आप बेंगलुरु से इधर हैदराबाद क्यों आ गए? दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में बहुत जगह इंस्टीट्यूट है, उधर नहीं गए? सर जो मैं वीडियो देखा था, जो पढ़ाने का तरीका था, जो हर एक स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट को लेकर जितना आप वैल्यू दे रहे थे उसको, उसके पीछे आप अपना टाइम, सभी इतने स्टूडेंट हैं लेकिन एक एक स्टूडेंट को लेकर उनके पीछे आप उतना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। दूसरी जगह मैं देखा 20 स्टूडेंट को बिठा के, उनको एक एक को कोई नहीं समझाता सर। तो यहाँ पे जो वीडियो में देखे थे वो सेम आपके साथ बैच में हुआ कि नहीं हुआ? सर वीडियो तो कुछ भी नहीं है सर, वीडियो तो कुछ भी नहीं, वो तो ट्रेलर है सर, आने के बाद पता चलेगा सर। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार भाई, इतना अच्छा बोल रहे कोई। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच भाई, इतना बोले आप, दिल से बोले, अच्छा बोले, कंग्रेचुलेशन, शुक्रिया। ठीक है चलो आगे बढ़ो, थैंक यू, और काम करो, मेहनत करो। एक बार सतीश के लिए जोरदार क्लैप। सतीश कहाँ से? महाराष्ट्र से है आप? हाँ सर। कब से काम कर रहे थे आप? मैं सर 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम कुछ भी नहीं जानता सर, खाली डिस्प्ले डालता था, चार्जिंग पिंग ये काम करता था सर। अभी क्या क्या कर लेते काम बताओ? अभी सर मैं पूरा आईसी रिवॉल्विंग ये वो सब काम कर लेता सर, डायग्राम रीड करता, ब्लैक पेस्टेड। हाँ सर, डबल डेकर कर लेता सर। सॉफ्टवेयर का भी सर मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन सर इधर आने के बाद मेरे को मालूम हो गया। मैं 2-3 बार सॉफ्टवेयर का क्लास भी किया सर, लेकिन मेरे वो सॉफ्टवेयर करना नहीं आता था पहले। अभी क्लास करने के बाद अभी कर लेता था सर। सबसे पहले आपको सुबह में हैंड स्किल का काम कराते सागर सर, कैसा सिखाते थोड़ा बताओ सर? हैंड स्किल का काम तो अच्छा सिखाते सर, ये काम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इधर आने के बाद इजी लग रहा है सर पूरा। ब्लैक पेस्टेड आईसी बहुत सारे लोग खोल नहीं पाते, डबल डेकर नहीं बनाते, तो यहाँ कैसा ट्रिक दिया आपको? नहीं सर, सिंपल ट्रिक है, एक बार आके विजिट करे तो मालूम हो जाता सर। चलो हैंड स्किल का काम के बाद डायग्राम वगैरह रीड करना हो, लाइन ट्रेसिंग करना हो, कर लेंगे? हाँ सर कर लेता, डायग्राम रीड कर लेता, लाइन ट्रेसिंग कर लेता सर, सिंपल है। अभी जाके कंटिन्यूसली 1-2 महीने और मेहनत करना, तब जाके अपन इसमें लाइन में तो बहुत आसानी से काम हो जाता आपका। कोई आना चाहे महाराष्ट्र से, क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा मराठी में बोलो। इत आल्यानंतर आपणाला पूर्ण नॉलेज भेटेन, इंस्टिट्यूट चांगलं आहे, त्यानंतर आपणाला सम लँग्वेज प्रॉब्लेम येत असेल तर आपले तौफीक सर महाराष्ट्राचे आहेत, आणि ते लँग्वेज जे तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते सॉल्व करून देतील। थँक्यू व्हेरी मच। एक बार क्लॅप्स देऊ। मोहम्मद हुजैफा जोरदार क्लॅप्स। अरे हुजैफा क्या, कहाँ से है आप, थोड़ा बताओ माइक में। मेरा नाम मोहम्मद हुजैफा है, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। बंगाल से इतनी दूर हैदराबाद आए हुए आप सर? यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में बहुत करीब करीब में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है,
नाम भी बड़े बड़े, इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े, बच्चे भी पता पता बैठ के, वहाँ नहीं गए, यहाँ क्यों आ गया? सर पहले मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का रिव्यू लिया स्टूडेंट से, लेकिन मैंने जब यहाँ के स्टूडेंट से बात किया तो मुझे अच्छा रिव्यू मिला सर। और आपको मैं ऑलरेडी 6-7 महीने से फॉलो करता हूँ सर, आपका हर वीडियो मैंने देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो जो सोच के आए थे मिला आपको? जी सर, उससे बढ़कर ही मिला सर, उससे बहुत अच्छा मिला। क्या बात है। कब से काम कर रहे थे आप? सर मैं तो फ्रेशर हूँ, 6 महीना से तकरीबन काम कर रहा हूँ सर। अभी फ्रेशर मानते क्या अपने आपको? नहीं सर, अभी 20 दिन बाद बहुत आगे निकल गए सर। क्या क्या कर लेते काम थोड़ा बताओ? सर सब कुछ ट्रेसिंग वगैरह, सागर सर का ट्रेसिंग और हैंड स्किल, CPU निकालना, MMC निकालना, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, यहाँ तक के डुअल डेकर भी निकाला सर, रैम सही से निकाला। आपका डायग्राम पढ़ाने का अंदाज सर बहुत ज़बरदस्त है सर, डायग्राम बिल्कुल इजी वे में पढ़ाते हैं। और तौफीक सर का सॉफ्टवेयर तो मतलब 5 दिन से लग रहा है सॉफ्टवेयर यूनिवर्स में टहल रहा है सर, ऐसा पढ़ा रहा है। तो अभी जाके काम कर सकते हैं? जी सर इंशाल्लाह जरूर। अब बंगाल कोलकाता बहुत दूर आता भाई है, बहुत बच्चे सोचते हैं बंगाल से आने, कोई आना चाहे बंगाली में बोलो थोड़ा सा, क्या बोलना चाहेंगे उनको? सर बंगाली ठीक है, हिंदी में ही बता दो। बंगाल से, कहाँ से है बंगाल में आप? कलकत्ता से। कोलकाता जो है सिटी, क्या बोलना चाहेंगे? कोई आना चाहे, कोई भी आना चाहता है बिल्कुल बेझिझक आ सकता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। यहाँ का सिखाने का लेवल भी बहुत अच्छा है, बहुत ईजी वे में सिखाते हैं, खासकर हैंड स्किल सागर सर बहुत बेहतरीन सिखाते हैं, ट्रेसिंग वगैरह सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर तौफीक सर सिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लेवल का सिखाते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोलकाता से आना बोले तो कैसा आना? हैदराबाद डायरेक्ट, कोलकाता से ट्रेन है डायरेक्ट? जी सर। अच्छा ठीक है, एक बार इनके लिए 2000 क्लास। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा अरे आराम से, चलो कोई बात नहीं, दूसरा लगा देंगे, कोई बात चलो। हाफिज साहब का फोन आ रहा है क्या, जरा देखो मेरा। एक बार शानूर के लिए 2000 क्लास। थोड़ा स्लीपर पहन के आना ठीक है। चलो कोई बात, शानूर कहाँ से है बताओ? सोलापुर महाराष्ट्र से। सोलापुर महाराष्ट्र से, कब से काम कर रहे थे आप? सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। बिल्कुल फ्रेशर है, आप थोड़ा एज भी पूछ लेता हूँ, थोड़ा एज कितना है आप? 21 है। देखो भाई 21 एज है, बहुत कम एज है, इतनी दूर ये आए हैदराबाद, इतनी दूर क्यों आ गए भाई आप, दिल्ली मुंबई वगैरह नहीं गए? नहीं सर, आपके इंस्टीट्यूट का मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, तो उसी वजह से आया सर मैं। तो जो देख रहे थे आप वीडियो में कुछ फेक तो नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल फेक नहीं था, कुछ भी फेक। यहाँ पे आप 20 दिन रहे ऐसा, तो आप लोगों ने कुछ फेक ऐसा बोल दो हमारे लिए, या फेक ऐसा कुछ करके दिखाया गया? नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं हुआ सर। इस तरह इधर मैं जो सोच कर आया था उससे ज़्यादा ही मिला मुझे, मैं कभी स्क्रूड्राइवर भी नहीं पकड़ा था इसी फील्ड में, तो आज मुझे डबल टेक करके भी काम कर तो मैं बिंदास कर सकता हूँ। 20 दिन में कैसे पॉसिबल हुआ ये? यहाँ पे कोई जादू छड़ी है क्या? नहीं नहीं जादू की छड़ी नहीं सर, सब अपने ऊपर डिपेंड होता है, आप बताते हो लेकिन डिपेंड अपने ऊपर होता है करना नहीं करना। तो इजी ट्रिक बताते हैं और आप मेहनत से कैच करते हैं, तभी जाके एक रिजल्ट अच्छा मिलता। ये बुक लेके आए, क्या है इसके अंदर? डायग्राम है सर। थोड़ा सा इधर बताओ भाई, वैसा ही ला लो स्टैंड ऐसा करके। हाँ देखो ये भी बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाए, थोड़ा इधर से बताना चाहेंगे ऐसा करके। आप ही बनाए ये? हाँ सर मैं। कॉपी तो नहीं कर लिए? नहीं नहीं बिल्कुल सारा ये समझ के बनाए। हाँ समझ के बनाए सर। क्यों बनाए ये? ये सर समझने के लिए बनाया। तो बाद में जाके आप रिवाइज कर सकते, ये सब आप ही बनाए। हाँ, देखो भाई पूरी इतनी उसी मोटी बुक भर दी है इन्हों ड्रा कर करके, तो ये देखो कितना अच्छा बनाया इन्हों। तो ये बताओ ये यहाँ इंस्टीट्यूट में बैठ के बनाए या रात में हॉस्टल में बनाए? रात में हॉस्टल में बैठ कर बनाए सर। क्यों बनाए, रीजन बताओ? नहीं सर बाद में फ्यूचर में काम आने के लिए बनाए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो ये बनाने लगाते भी नहीं आपसे। नहीं सर नहीं बनाने लगाते भी नहीं, और आपने जो बताया वो उसको फॉलो करके बनाया है। और सुबह हम इधर 7:30 या 8 बजे उठ कर आए तो हमें इंस्टीट्यूट खुला ही मिलता है। आओ बोलते हैं कुंडल सर है हमारे इधर सपोर्ट के लिए। सर ना नहीं भी होने के बाद कुंडल सर हमें इधर बहुत सपोर्ट करते हैं, सुबह 10:30 बजे तक कुंडल सर का बहुत सपोर्ट होता है इधर। दो घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, रात में अगर हम लेट भी हो तो कुछ ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। रात में तो 8 बजे की बंद कर दे गए, नहीं हटा दे रहे? नहीं बिल्कुल नहीं सर। सारा टूल्स मिला आपको? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई बाद वाले से लेने की जरूरत नहीं पड़ी? कोई जरूरत नहीं पड़ी सर। महाराष्ट्र से आप? महाराष्ट्र से। मराठी बता दे? हाँ थोड़ा बताओ मराठी में, कोई आना चाहे तो। मैं येणार आहे तर प्रत्येक मुलाला सांगू शकतो की तर तुम्ही या एकदा भेट द्या, स्वतः तुम्ही
तुम्ही भेट दिल्याशिवाय तुम्हाला इथं कळणार नाही. इथं जर तुम्ही आलो तर तुम्हाला स्वतः फॅमिलीसारखं फील होईल, आणि इथं जर तुम्ही आलो तर तुम्हाला तवाच कळणार की काय काम आहे काय. लोक काही बोलू दे तुम्ही, तर या मी स्वतः सांगतो हे सांगतो तुम्हाला की इथं 100% तुम्ही यशस्वी होऊनच जाईल एवढी गॅरंटी देतो मी तुम्हाला. या तुम्ही इथे येऊन एकदा भेट द्या, हीच माझी. वाह क्या बात है, एक बार दो दार इनके लिए क्लास कर दो भाई. थैंक यू वेरी मच. सर्टिफिकेट अच्छा पकड़ो. एक बार आनंद के लिए जोरदार क्लास. भजनदास डांसर है. आनंद कहाँ से है आप? मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से. चंद्रपुर से कब से काम कर रहे थे आप? तो 5-6 साल हो गए सर, लेकिन इतना नॉलेज नहीं था कब. अभी ये बताओ 5-6 साल से या 10 साल से बहुत सारे बच्चे बैठ के हैं, वही चार्जिंग पिन डिस्प्ले वगैरह डाल रहे हैं. अगर ये लेवल का काम करेंगे और जो चार्जिंग पिन वगैरह का काम कर रहे हैं, तो जो इनकम आपको ज़्यादा कमाना रहता है दुकान में बैठ के, तो क्या लेवल का काम करें तो अच्छा रहेगा? सर आईसी लेवल के आसपास तो पहुंच गया हूँ मैं. पूरा काम कर डबल डेकर निकाल लेता हूँ, सीपीयू रिबल कर लेता हूँ, पावर आईसी पूरा रिबल कर. ब्लैक पेस्टेड पूरा तो नहीं है ऑनलाइन में काम करने का? कुछ भी डर नहीं सर. तो अब आप 5 साल से काम कर रहे थे, जो बेसिक काम कर रहे थे, अगर पहले अगर ये कोर्स कर लेते तो? सर अभी तो मास्टर बन गया था सर मैं. और इनकम कैसी रहती थी? इनकम सर हाई, बहुत पैसा कमा जाता अभी तक मैं. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठ के हैं और अभी भी वही काम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे ही काम चार्जिंग पिन डाल के और 5 साल निकालेंगे? नहीं सर. के कुछ अपडेट होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए सर. कहीं भी जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, कहीं से भी अपडेट हो, लेकिन होके काम करो. हाँ सर. खाली चार्जिंग पिन डाल रहे, दुकान में बैठ के डिस्प्ले डाल रहे, तो उतना इनकम नहीं रहता. नहीं रहता, किराया निकाल के थोड़ा बहुत हाथ में बच जाता. हाँ. तो ये लेवल का काम करना है तो कहीं ना कहीं तो अपडेट होना है. हाँ सर. तो आपको जहाँ अच्छा लगा किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ, लेकिन अपडेट हो, अच्छे लेवल पे काम करो, दूसरे को ले जाके काम दे रहे, खुद नहीं कर रहे. हाँ. ऐसा ही होता था ना? हाँ, ऐसा होता था सर. तो अभी आप किसी को ले जाके काम तो नहीं देते? नहीं सर, खुद से करूंगा सर. पहले कराते थे किसी के पास ले जाके? हाँ सर, पहले दोस्त के पास दे रहा था. तो कितना आधा पैसा देना पड़ता था उसको? हाँ सर. और उसको सर मैं फोन लगा के बोला भी था, सोहेल के सामने ही बोला था. हाँ, सोल के सामने बोला था, अभी तुम्हारा तरफ काम नहीं दूंगा मैं, अब मैं खुद ही कर लूंगा. देखो कितना ऐसा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट आता तभी जाके आप काम कर सकते हो. हाँ सर. तो अब दूसरों का काम तो खराब होता है. अभी एक लड़का कल परसों आया था यहाँ पे, बता रहा था हमारे सामने इंस्टीट्यूट वाला भी है, दुकान भी है उसकी. आप में से कोई थे या कोई आया था? बोला हम सिखाओ. बोले तो बोले कि तुम्हारा सिखा देंगे तो फिर हम क्या करना. इंस्टीट्यूट भी है और दुकान भी, लेकिन आसपास के लोगों को नहीं सिखाते. बोला तो स्टूडेंट बोला हम ये तुमने सिखाते तो कहीं और सीख लेते भाई क्या. अब दुनिया में तो कहीं ना कोई तो सिखा ही देते. हाँ. तो ऐसा सोचने का नहीं रहता, अपडेट तो होना है. ठीक है, कोई आना चाहे आपके शहर से या इंडिया से, क्या बोलना चाहेंगे? तुम्हें कभी पण येऊ शकता सर. आप सागर सर है, टॉपिक सर है, रफिक सर है, यांची ट्रेनिंग एवढी छान है कि सगळं इजीली डोक्यात शिरते आणि सगळं समजून येते. ट्रेसिंग करणं छानपणे शिकवतात त्यांनी, आणि आई सी वगैरे काढणं सागर सरची ट्रिक जी आहे ते सिम्पलपणे सांगतात त्यांनी. रॅम कशी काढायची, सगळं मस्त व्यवस्थित आहे सगळं काही. तर कधी पण तुम्ही येऊ शकता. 20 दिन कसे गुजरे आपके? बहुत अच्छे सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा मुझे समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ 4-5 दिन, उसके बाद में थोड़ा आया सर. जैसा ट्रेन रहती शुरू स्लो निकलती, बाद में स्पीड पकड़ती. अपना काम भी ऐसा ही है. हाँ सर, शुरू में स्पीड नहीं निकलता, चाहे प्लेन हो ट्रेन हो, गियर भी पहला गियर के बाद में ही 5वां गियर तक जाते हैं अपन. एक बार जोरदार क्लैप इनके लिए. थैंक यू वेरी मच. आजा भाई मोहम्मद रिजवान के लिए जोरदार क्लैप. रिजवान जी कहाँ से, थोड़ा बताओ. मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर. छत्तीसगढ़ सीजी मतलब बहुत दूर से आ गए आप. हाँ, इतनी दूर आ गए. आपके आसपास में भी बहुत सारे शहर पड़ते? जी जी, बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, इंदौर है, भोपाल है, एमपी है. हाँ सर है. दिल्ली है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे नहीं गए. इतना दूर फोन फिक्स क्यों आ गए? नहीं सर, मैं आपका वीडियो जब से देखा, मैं लगभग 3 साल से देख रहा था आपका वीडियो, औरों का वीडियो भी मैं देखा, लेकिन सब जगह का जब मैंने तहकीक किया तो मुझे कहीं समझ में नहीं आया. आखिरकार मैंने फ़ोन फिक्स को सिलेक्ट किया कि नहीं, सबसे बेहतर मेरे लिए वही है कि मैं फ़ोन फिक्स जाऊँ. चूँकि यहाँ के जितना भी टीचर है पढ़ाने वाले, सभी का मैंने शौक़ और ज़ौक़ को देखा कि बहुत मेहनत और मशक्क़त से पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं. और भाई रिव्यू भी पहले देखता था स्टूडेंट लोग का, कि बताते थे कि जो जितनी बार पूछा जाए
बताने में किसी तरह से कोई कमी नहीं करते हैं, जितनी बार पूछा जाए बताते भी हैं, खोल करके बताते हैं, जितना नॉलेज है उतना बताते हैं, छिपाने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। तो ये सारी बातों को मैंने जब सुना तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि नहीं, फोन फिक्स से बेहतर मेरे लिए कोई और नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आया। तो जो आप YouTube पे देखे, जो सुने दूसरों से, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल 20 दिन गुजारने के बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो वो देखे थे आप, वो सारा चीज़ यहाँ पे मिला? नहीं सर, जो देखा था उससे बेहतर मेरे को लगा, सुना जितना नहीं था उससे ज़्यादा मेरे को यहाँ आने से पता चला कि नहीं, मैं सुनता था कुछ और लेकिन उससे भी बेहतर है। जब यहाँ आया तो अपने आप में यकीन हो गया, बगैर देखे तो उतना नहीं होता है लेकिन जब इंसान देख लेता है कोई भी चीज़ को तो यकीन ज़्यादा होता है। आप मस्जिद के इमामत भी करते? जी जी जी, मैं पढ़ाता भी था, टाइम निकाल के पढ़ाते भी है, इमामत भी करते हैं, उसके बाद भी टाइम निकाल के इतनी दूर आए जी, तो जाके थोड़ा और मेहनत करना है। हाँ सर, टूल्स लेना है जी, ठीक है, टूल्स जरूर लेना, काम छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू करना है। हाँ सर, जैसा आप रमजान में पढ़ाने के लिए रिविजन करते रहते, बार बार याद करते, ये काम भी ऐसा ही है, छोड़ना नहीं है, डायग्राम खोलना है, देखना है, कुछ सपोर्ट चाहिए ग्रुप्स है हमारे, पूछ सकते हैं। ओके सर, अभी 20 दिन में क्या क्या काम कर लिए थोड़ा सा ये बताओ। सर मैं आईसी का काम बिल्कुल नहीं करता था और बिल्कुल फ्रेशर था मैं, कभी कभार जहाँ पे रहता हूँ वहाँ भी मैं रेगुलर काम नहीं करता था, सिर्फ चार्जिंग पिन और डिस्प्ले वगैरह ये जो इजी काम है, छोटा मोटा, वो सब काम करता था। तो धीरे धीरे मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, यहाँ आया मैं और आने के बाद आईसी का काम तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता था। नहीं सर, माइक्रोस्कोप तो मैं देखा ही नहीं था करीब से, बैठने के तो दूर की बात, मैं करीब से देखा ही नहीं था कभी, लेकिन यहाँ आया एक दिन तो कुछ देर तो मेरे को लगा समझने में, जब लाइट उसमें जला तब पता चला मेरे को कि वो अंदर भी कुछ दिखता है, उससे पहले तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। लाइट पहले डालना होता है? जी जी, लाइट जब डाला तब समझ में मेरे को आया कि अंदर कुछ दिखता है बड़ा बड़ा। तो तब मैं हर एक टेक्नीशियन पहली बार सबका यही दिन है, इसमें जितने सबके साथ गुजरा सो है कोई, मैं तो ऐसा भी देखा, मैं इंस्टीट्यूट में टीचर को आके थोड़ी देर तक देखता रहा कि इसका खटका किधर है लाइट का, मैं बोला यहाँ पीछे रहता रे भाई, किधर रहता खटका, लाइट का खटका खोलना किधर वो भी नहीं मालूम बहुत सारे लोगों को। तो अभी ब्लैक पेस्टेड आईसी वगैरह? हाँ सर, निकाल लेता हूँ, ब्लैक पेस्टेड आईसी हो गया, व्हाइट पेस्टेड हो गया या डबल डेकर, ये सब निकाल करके अच्छे से लगा भी लिया हूँ सर, और ड्रेसिंग का काम एकदम नहीं आता था वो भी सीख लिया। कोई आना चाहे बहुत आपके शहर से या दिल्ली वगैरह, एमपी वगैरह या भोपाल से, कहीं से भी आना चाहे, क्या बोलना चाहे? बिल्कुल आ सकता है सर, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं मैं उन लोगों से ये अर्ज भी करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बिला झिझक आ सकते हैं, इसलिए जो भी यहाँ वीडियो दिखाया जाता है उससे बढ़कर के यहाँ जानकारी दिया जाता है, तो आप लोग बगैर झिझक के आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो बोले आप खुद से बोले कि मैं कुछ? नहीं नहीं सर, कोई नहीं सिखाया है, जो मेरे को जानकारी हुआ, जो इल्म हासिल हुआ यहाँ आने के बाद मोबाइल के बारे में, उस चीज़ को मैं बयान कर रहा हूँ, लोगों के सामने सुना रहा हूँ। क्या बोले अंगन? नहीं सर, मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, नहीं बोलता। चलो कोई बात नहीं, एक बार 2000 क्लास इनके लिए। थैंक यू मोल साहब, थैंक यू वेरी मच, काम करिए। एक बार जोरदार याकूब पाशा के लिए जोरदार क्लास। आप आंध्रा तेलंगाना से है? तेलंगाना स्टेट जनगामा जिला। कब से काम करते थे आप? मैं 5-6 साल से काम करता था। मेरा क्या है बोलते हो, चार्जिंग कनेक्टर डिस्प्ले चेंज करना इतना ही काम आएगा, आईसी रिबॉलिंग करना, ब्लैक पेस्टर, डबल डेकर, काम कोसा भी नहीं आया, देखा भी नहीं कभी भी मैं। मेन आप हार्डवेयर बोलते थे शुरुआत से, हार्डवेयर ही सीखना है बोल के। तो अब ये बताओ, यहाँ पे 15-20 दिन गुजारने के बाद में अब क्या लगता है, आपको कहीं और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? किधर भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है सर, मेरा रास्ता पता है, कैसा जाना कि रास्ता पता है, वो रास्ता पे मैं अच्छा जा सकता हूँ आपसे, वो कॉन्फिडेंस लेवल से मेरे आगे। कॉन्फिडेंट लेवल ही चाहिए और तरीका चाहिए, ट्रिक चाहिए, टेक्निक चाहिए, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना, पूरा टेक्निक्स पूरा, अब कितना वोल्टेज आना, किस पे कितना वोल्टेज आना, क्या आना, कैसा जाना है, पूरा फोन को एक तरीका से अपन देखना, कैसा देखना कि मैं मालूम हो। इतना दिन क्या बोलते, छेड़ता था, प्लेस डाल को, ब्लोजर मार को करता था, आए तो आता, जा तो जाता, उतना ही।
ओपन बात है मेरा, मैं घर से काम की बात है, सही बोल के छोड़ रहे हैं। क्या क्या बोलता हूँ, इतना दिन कस्टमर लॉस होता था, अब कस्टमर लॉस नहीं हुआ, मैं सिकले को कस्टमर को प्रॉफिट देगा। पहले जो है नॉलेज नहीं था तो कहीं भी हिट, मतलब अपन देखते ही यूट्यूब पे या किसी सुनते भी, पेज डालो हीट मारो, या तो जो लाइन शॉर्ट है कैपेसिटर उखाड़ते जाओ इधर से, वही काम करते हैं सब लोग। अभी एक तरीका मालूम हो गया आपको काम करने का, परफेक्ट तरीका मालूम हो गया सर, कैसा करना क्या है बोलकर मैं पूरा, ये फोन फिक्स बोलने का फैमिली में मैं जैन है उसको, मैं बहुत हैप्पी फील हो रहा हूँ सर। वाह, दिल से बोल रहे हैं? दिल से सर। वाह क्या बात है भाई, एक बार जोरदार क्लैप। తెలంగాణ స్టేట్ జనగామ జిల్లా మనది, మీకు ఏంటి హిందీ రాకున్నా కూడా తెలుగులో కూడా మీరు ఏంటిది అర్థమయ్యేటట్టు మీకు చెప్పడానికి సాగర్ సార్ ఉన్నారు. ఏ విధమైన మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా చెప్తారు, నాలాగా స్టడీ లేదని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా రావచ్చు ఇక్కడికి.